पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी से मैदानी इलाके कांप रहे हैं। हर जगह हाड़कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। बात करें इंसानों की तो वो इस बेरहम ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले लेते हैं, लेकिन वन्य जीवों पर यह मौसम किसी कहर से कम नहीं, क्योंकि वो इंसानों की तरह ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा नहीं ले सकते। यही वजह है कि वन्य जीव खासकर सांप गर्म स्थानों में जाकर छुप जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ग्रामीण इलाकों या कच्ची मिट्टी वाले इलाके में सांप निकलने की जानकारी ज्यादा सामने आती है। इन्हीं सांपों को रेस्क्यू करने का काम वाइल्ड लाइफ SOS, ये एक NGO है जो सांपों के निकलने पर उनका रेस्क्यू करती है और उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती है। NGO ने मथुरा आगरा बॉर्डर के गांव से 20 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू किया और कुछ देर देखरेख में रहने के बाद सुरक्षित रूप से उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जितने भी सांप NGO ने रेस्क्यू किए उनमें कोबरा, अजगर, रॉयल स्नेक और वुल्फ स्नेक थे। वहीं वाइल्ड लाइफ SOS के डॉक्टर यदुराज का कहना है कि ज्यादातर रेस्क्यू किए गए सांप तेज धूप वाली जगह पर छुपे थे, जहां वो शीत लहरों से बचने के लिए और गर्म रहने के लिए छुपकर बैठे थे। स्टार्ट। मेरा नाम डॉक्टर यदुराज है, मैं वाइल्ड लाइफ SOS में असिस्टेंट डायरेक्टर हूं और हमारे पास आजकल ठंड के दिनों में बहुत सारे जानवर और पक्षी आ रहे हैं रेस्क्यू होके। पिछले हफ्ते में हमारे रेस्क्यू टीम ने करीब करीब 20 से ज्यादा सांप रेस्क्यू किए, जिसमें ज्यादा करके अजगर थे। और ये इसलिए हो रहा है कि ये ठंड के सीज़न में जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तब सांप जो है वो गर्म जगहें ढूंढते हैं और जहाँ पे आदमी सेकते हैं वहाँ के आसपास या घर में आ जाते हैं, उस वजह से हमें लोग बुलाते हैं पकड़ने के लिए। तो हमारे यहाँ पे 24 घंटा रेस्क्यू हेल्पलाइन है और आगरा और मथुरा के आसपास के जो भी गाँव है और उसके आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे कहीं पे भी कोई जंगली जानवर या पक्षी दिख जाए तो आप हमारी रेस्क्यू टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँच जाएगी। बता दें कि सांप अपने शरीर के तापमान को अन्य स्तनधारियों की तरह संशोधित नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें जीवित रहने के लिए बाहरी गर्म ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से ज्यादातर सांप गर्म जगहों पर जाकर छिपते हैं और ये संस्था इन्हीं सांपों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। Oh,